वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये अंगड़ आई है, आगे और आई है। अभी तो ये अंगड़ आई है, आगे और आई है। हमारे कर्मचारी और जुलम हुआ तो आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के महानगर अलीगढ़ से है। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले पर विफर गए कांग्रेस नेता शिवराज जीवन। जानना चाहेंगे क्या है वह फैसला, तो जानिए। योगी आदित्यनाथ का ये आदेश है कि उत्तर प्रदेश के सभी सफाई कर्मी सुबह 5 बजे से ड्यूटी पर आएंगे। उनका यह निर्णय कांग्रेस नेता को ठीक नहीं लगा और वह सफाई कर्मियों की हिमायत में आगे आ गए। उन्होंने अलीगढ़ डीएम कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया और भविष्य में अधिकारियों के घेराव की धमकी भी दी। आइए मिलते हैं सरकार पर बिफरने वाले कांग्रेसी नेता। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना। योगी जी आएंगे तो सफाई कर्मचारियों की भूख मिटेगी, नौकरी बढ़ेंगी, स्थायी करे जाएंगे। योगी जी ने वो तो काम किया नहीं, गुलाम बनाने का काम योगी जी ने किया। 5 बजे सुबह 5 बजे कोई दफ्तर का कर्मचारी दफ्तर नहीं खोलता, कोई अधिकारी दफ्तर में नहीं आकर बैठता, लेकिन सफाई कर्मचारी को सुबह 5 बजे बुलाया है ड्यूटी पर। इसका मतलब ये हुआ सुबह सफाई कर्मचारी 4 बजे जगेगा तब 5 बजे काम करेगा। अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को कहाँ से एजुकेशन दिलाएगा, कहाँ से शिक्षा दिलाएगा? अगर किसी कौम को गुलाम बनाना है, किसी कौम को जानवर की तरह अगर रखना है, तो उससे शिक्षा छीन लीजिएगा, कलम छीन लीजिएगा। और कलम छीनने का काम योगी जी ने किया है। मैं सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व नहीं करता हूँ, मैं सफाई कर्मचारियों का लीडर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तभी पिछले समाज से आता हूँ। ये जुल्म है, अत्याचार है, और जुल्म और अत्याचार को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाज मैं देना चाहता हूँ जितने सफाई कर्मचारी नेता हैं, ये योगी जी महाराज जी बाबा जी हमारे दलितों को, भले दलितों को भी, उस कौम को जो वफादार कौम है, वो कौम जो मेहनत कश कौम है, वो कौम जो 200 मुल्क की ईमानदारी के पैसा खाती है, उसको मिटाने का प्रयास। क्या डिमांड क्या डिमांड है? 5 बजे का जो मांग है उनका ड्यूटी पर लगाने की, उसको कैंसिल किया जाए। जो यथावत जैसे 7 बजे आते थे उसी समय आना चाहिए, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए, और डीएम साहब तो है नहीं, जिलाधिकारी के कार्यालय पे आपने धरना भी दिया है बैठ जी। मैंने धरना नहीं दिया है, आप इसको दूसरे तरीके से मत लीजिएगा। मैंने आक्रोश व्यक्त नहीं किया है, मैं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आया था। और ये भारत के अंदर लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र की हत्या मत करिएगा। अगर लोकतंत्र में अगर स्वराज जीवन बैठ जाता है तो कोई अपराध नहीं करता, कोई गुनाह नहीं करता। अगर हमने कोई गुनाह किया है, आप कह रहे थे अधिकारियों से इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, यार सफाई कर्मचारियों के चक्कर में आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। 48 साल पहले 42 साल पहले जेल गया हूँ, अब भी जेल जाऊंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैंने डीएम का अभी घेराव नहीं किया है, अभी डीएम का कार्यालय घेराव नहीं किया है। जिस दिन मैं घेराव करूंगा उस दिन आपको क्या पूरा उत्तर प्रदेश को पता चल जाएगा। और न्यायप्रिय मांग है, सफाई कर्मचारियों को गुलाम मत बनाओ, सफाई कर्मचारियों को जो वो मजदूर मत बनाओ, बंधक मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आज जितने साथी मेरे यहाँ पर आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर जुल्म की टक्कर में स्वराज जीवन नारा है। मेरा नाम स्वराज जीवन है, और स्वराज जीवन नाम नहीं आंदोलन है। ठीक है।